बाजीराव का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिताजी बालाजी शिवनाथ छत्रपति साहू के पहले पेशवा थे। बाजीराव के एक छोटे भाई चिम्माजी अप्पा थे। ब्राह्मण परिवार में होने के कारण बाजीराव हमेशा से हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। बाजीराव अपने पिता के बहुत करीब थे, उन्हीं से उन्होंने सारी शिक्षा ग्रहण की थी। बाजीराव के पिता की मौत के बाद साहू जी ने 20 साल के बाजीराव को मराठा का पेशवा बना दिया था। तब से बाजीराव एक भी युद्ध नहीं हारे थे। इसी पेशवा पर आधारित एक सुंदर सा नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं एट मर्क्यूरी के सभी छात्र। ये कहानी गवाह है उस वक्त की जब मराठा साम्राज्य का ध्वज छत्रपति शाहू महाराज के हाथों में लहरा रहा था और जिनके पेशवा थे बाजीराव बल्लाण। अपनी धरती अपना राज, छत्रपति शिवाजी का एक ही सपना, हिंदू स्वराज। मराठाओं के पास दुश्मन जितनी दौलत होना हो, युद्ध में बाहर निकले खून कई ज्यादा है। हमारी हर सांस मराठा साम्राज्य का हम पर उधार है। आंधी रोके तो हम तूफान, तूफान रोके तो हम आग का दरिया। अब गुलामी की जंजीर नहीं सिर्फ जीत का गुलाल होगा, यह शपथ है बाजीराव बल्लाण के। हर हर महादेव। I'm gonna make you mine.